चैनल मिसेज शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 CBSE एंड ICSE का डेटा हैंडलिंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज डेटा हैंडलिंग। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक यू शुड बी क्लियर विद द टर्म डेटा। व्हाट इज डेटा? Data is the information. It can be information in the form of numerical data, it can be in the form of pictures, it can be frequency table. Data is the simpler form में समझिए, data एक information है। मैं आपको जो lecture deliver कर रही हूँ वो एक data है, ठीक है? आपकी textbook का क्वेश्चन करा रही हूँ वो एक डेटा है। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक डेटा है। सब तरफ डेटा है। आप बुक में भी पढ़ रहे हैं, वहां से डेटा गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो डेटा क्या है? समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन हो, यूट्यूब की हो, गेम्स की हो, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स और फिगर्स और नंबर्स, एनीथिंग। सब जगह डेटा है। आपके घर में कितना राशन आ रहा है, कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, आपके कितने टॉयज आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा। आप कोई और एग्जाम्पल मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? नाउ वॉट इज डेटा हैंडलिंग? हैंडलिंग मतलब उस डेटा को आप कैसे डील करते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर मैं आपको, आपके कोर्स में है पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ, मैं आपको दोनों बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पिक्टोग्राफ। हियर आई कम विद द फर्स्ट टॉपिक पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टो, पिक पिक, वेरी नाइस पिक। पिक मतलब पिक्चर, पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर का ग्राफ है। कोई भी डेटा को हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ। आपने कई बार टीवी पे न्यूज में या न्यूज़पेपर में देखा होगा ग्राफ्स बन के आते हैं। न्यूज में वेदर का एक ग्राफ बन के आएगा, जब वेदर इंफॉर्मेशन आएगी, जब इलेक्शंस की इंफॉर्मेशन आती है तब ग्राफ बन के आता है। न्यूज़पेपर में देखिएगा कई बार बिजनेस वाले पेज पे स्टॉक का ग्राफ होता है। वो सब क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है? टेबल की फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आप पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ, पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से बताती हूं मैं। एक टॉय शॉप है, उसमें शॉपकीपर ने, टॉय शॉप है, उसमें शॉपकीपर ने अपनी जो डायरी है या फिर अपने कंप्यूटर में कहीं पर डेटा मेंटेन किया कि उसने एक दिन में 8 कार सेल करी, 4 डॉल सेल करी, 2 रोबोट सेल किए और 3 ट्रक सेल किए। अब आपको इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम पिक्टोग्राफ। नाउ यहां पर आप एक ऐसे करके टेबल बना लेंगे। इधर आप टॉयज लिख लेंगे, टॉयज एंड नंबर ऑफ, इधर टॉयज है, इधर नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है? कौन कौन से टॉयज है? देखिए कार, फिर डॉल, फिर रोबोट, फिर ट्रक। अब आपसे कहा जाए इसका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मैम इतनी देर से क्या बता रही है? पिक्चर बनानी है आपको। कार कितनी सेल हुई है? 8। फटाफट से आप 8 कार्स ड्रॉ कर देंगे।
अब ये मत कहिएगा मैम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है आपको ड्रॉ करना, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉइंग कंपटीशन हो रहा है कि मैम मार्क्स कटेंगे, मेरी तो ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, बस क्वेश्चन शुड बी क्लियर, मैम को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपने कार बनाई है और चार बनाई है, प्राइज नहीं मिलेगा कि इसकी कार सुंदर है तो इसको प्राइज मिलेगा, क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहा है आंसर अगर कि चार कार सेल हुई है तो योर क्वेश्चन योर सॉल्यूशन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, नो मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर ड्रॉइंग। नाउ डॉल, डॉल बनाते हैं इजीली, कुछ भी आप, इतनी ड्रॉइंग तो आप क्लास वन से करते आ रहे हैं, फ्री हैंड ड्रॉइंग आपको सिखाई गई है, कितनी डॉल्स है 4, ये देखिए 4 डॉल्स मैम ने ड्रॉ कर दी है। नाउ 2 रोबोट्स एंड 3 ट्रक्स, रोबोट बनाइए। See, 2 रोबोट्स एंड 3 ट्रक्स, 3 ट्रक बनाने हैं आपको। मैम भी देखिए ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं कर रही है, लेकिन इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर कि 4 मैंने ट्रक बना, वो 3 ट्रक बनाए हैं, 4 डॉल बनाई है, 8 कार बनाई है, बस ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ आप समझ गए होंगे पिक्टोग्राफ में आपको क्या करना है कि जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है जिस जिस चीज की, उसकी उतनी पिक्चर बना देनी है। आई होप आप समझ गए। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सपोज कीजिए आपको ये चीज नहीं दी होती, आपको पिक्टोग्राफ दिया होता कि फॉलोइंग पिक्टोग्राफ इज गिवन टू यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आपसे पूछा जाता, ये सब नहीं दिया है, हाउ मच डॉल्स हैज बीन सोल्ड बाय द शॉपकीपर, आप तुरंत देख लेते 1, 2, 3, 4 और उसके आगे लिख देते 4, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता मिनिमम नंबर, विच टॉय इज सोल्ड मिनिमम नंबर ऑफ टॉय सोल्ड इन अ डे, विच कैटेगरी ऑफ टॉय इज सोल्ड लेस, ठीक है, कौन सा सबसे कम बिका है दिन में, ये 4 बिका, ये 4, ये 2, ये 3, ठीक है, दिन में सबसे कम रोबोट सेल हुए हैं, तो आप लिख देते रोबोट, किसी भी तरीके का उस इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रक्स आर बीन सोल्ड, आप बता देंगे 3 ट्रक्स, ठीक। Now I come to the next question of pictograph. Now see this question. Avirat went to zoo. Avirat zoo गया और उसने 16 birds देखे वहाँ पर, 12 deer देखे और 4 lion देखे। अब इसका pictograph बनाना है। अब pictograph में आप 16 bird बनाते रहेंगे, 12 deer बनाते रहेंगे, कितना time waste होगा, paper में भाई limited time होता है, आप पता चले bird ही बना रहे हैं कि question कर रहे हैं। फोर लाइन ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज्यादा क्वांटिटी का पिक्टोग्राफ, कम का था 2, 4, 3, लास्ट वाले क्वेश्चन में फटाफट बन गया, इसमें क्या करेंगे आप, देखिए सबसे मिनिमम क्वांटिटी क्या है 4, तो आप क्या करेंगे, 1 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट 4 एनिमल्स, 4 एनिमल्स एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल्स या बर्ड्स, ठीक है। नाउ अब एक आप ट्राइंगल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
लाइन में तो एक ही बना देंगे तो मतलब चार लाइन थे, समझ जाएंगे। बर्ड्स में क्या करेंगे? लायन का तो क्लियर हो गया, ठीक। बर्ड में क्या करेंगे? कितने ट्राइंगल आएंगे? 16 by 4। कितने आएंगे? 3 triangles, ठीक है। फिर डियर में कितने आएंगे? डियर कितने हैं? 12। और एक को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। तो कितने आएंगे? सॉरी, ये यहाँ पर 16 by 4, 4 triangles, सॉरी 3 triangles, ठीक है। आई होप आप समझ गए अब क्या करना है। अब फटाफट आप क्या करेंगे? लिखेंगे लायन, बर्ड, डियर। आप देखो कितना अच्छा पिक्टोग्राफ 2 मिनट में बन जाएगा। लायन में एक ही ट्राइंगल बनाएंगे, बर्ड में 4 triangles बना दिए। पता चल गया कि आपने 4 बर्ड देखी थी, ठीक है। 4 बर्ड नहीं देखी थी, एक बर्ड है 4, तो 4 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 बर्ड्स देखी थी। डियर में कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3। 4 4 8 4 12 12 डियर देखे थे। क्या करना है? अगर ज्यादा क्वांटिटी हो तो जो लोएस्ट क्वांटिटी है उसको 1 के बराबर मान लेना। 1 triangle रिप्रेजेंट 4 animals, तो बर्ड कितनी हो गई? 4 हो गई। कैसे? जो क्वांटिटी थी उसको जो सपोज किया उससे डिवाइड कर दिया 4। फिर डियर, जो क्वांटिटी थी डियर की उसको जो आपने सपोज किया 4 animals उससे डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। ये बन गया आपका सुंदर सा पिक्टोग्राफिक। इसको देख के कोई भी बता देगा कि आपने जू में, अविरत ने जू में 4 lion देखे, 16 बर्ड्स देखे और 3 deer देखे, 12 deer देखे। ना क्यों बनाते हैं हम पिक्टोग्राफ? कि कोई भी लेमैन हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बूढ़ा हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी दुकान वाला हो, कोई भी देख ले पिक्चर से, कोई भी इजीली समझ लेगा कि आपने क्या क्या किया। Now I move to my next topic, bar graphs. The next topic is reading and interpreting a bar graph. Bar graph क्या होता है? Reading and interpreting मतलब bar graph को पढ़ना है, analyze करके उससे आपको answers find out करने हैं। अब bar graph क्या है? Bar graph क्या है? Graphical presentation, graph sheet आप लोगों ने अभी शायद नहीं देखी होगी, आप लोग बाद में देखेंगे। ग्राफ शीट होती है, ग्रीन कलर की शीट होती है या ब्लू कलर की, उसपे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है इक्वल स्केल्स पे। ऐसे 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 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। पूरी शीट सेम कलर की और डिविजन्स होते हैं। ये तो ग्राफिकल शीट की बात हो रही थी। अब बार ग्राफ्स क्या होते हैं? बार ग्राफ देखिए, कोई भी ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो होती है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ में एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस होगी। इसको आपको प्लॉट अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी बार ग्राफ बना होगा उसको रीड करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। बार ग्राफ 2 फॉर्म के हो सकते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ, वर्टिकल में क्या है? दिस इज हॉरिजॉन्टल, बार क्या है? पहले तो बार, बार मतलब वर्टिकल ब्लॉक समझ लीजिए आप। वर्टिकली ब्लॉक्स बने होंगे ऐसे 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 ऐसे, ये वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन याद करिए, ज्योमेट्री पार्ट 1 में मैम ने बताया है। वर्टिकल बार्स, बार्स इक्वल विड्थ के होते हैं, ये जो विड्थ होती है इसकी ये इक्वल होती है। लेंथ वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डेटा। नाउ ये इक्वल विड्थ के होते हैं, इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो भी इक्वल होती है। आप जब बनाएंगे आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी, अभी आपको रीड करना है तब भी मैं बता रही हूं।
बार की एक एक्सिस पे क्या होता है, जो आपको क्वांटिटी दी गई है, जो आपको कैटेगरी दी गई है, आपको एक कैटेगरी दी गई होगी, एक आपको क्वांटिटी दी गई होगी। कैटेगरी कहाँ होती है आपकी, कैटेगरी, दिस इज कैटेगरी, कैटेगरी दी है आपकी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल डेटा और फिगर्स, न्यूमेरिकल डेटा और फिगर। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी, तो ये बार्स बन जाएंगे आपके ऐसे करके। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल का, एक वर्टिकल, दोनों का बताऊंगी, कैसे रीड करके कैसे आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें इधर आपकी क्या होगी, कैटेगरी दी होगी, और इधर आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल डेटा। आई होप आप समझ गए। नाउ आई मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ बार ग्राफ। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वर्टिकल बार, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग बार, वर्टिकल बार है। देखो मैंने कहा था एक तरफ कैटेगरी होती है, एक तरफ न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। ये मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 30, किसके मार्क्स है, समर्थ के मार्क्स हैं। हाउ मेनी मार्क्स, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आंसर करना है, कितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। हाउ मेनी मार्क्स समर्थ स्कोर इन मैथ्स, समर्थ के मैथ्स में कितने मार्क्स आए। देखो मैथ्स का बार कहाँ है, ये रहा, मैथ्स कहाँ तक जा रहा है, 30 तक। देखो मैथ्स का बार ये है, कहाँ तक गया, 30 तक। तो मैथ्स में समर्थ के कितने मार्क्स आए, 30। भाई मैम पढ़ा रही है इतनी मेहनत से, तो 30 मार्क्स लाओगे, आप भी लाओगे फुल मार्क्स। नाउ समर्थ स्कोर लीस्ट मार्क्स इन, लीस्ट मार्क्स उसके किस में आए हैं, देखो सबसे कम, सबसे छोटा बार किसका है, सबसे छोटा बार ये वाला है, 15 ही है यहाँ पर नंबर, किसका है, साइंस, साइंस में बहुत कम आए भाई। इन विच सब्जेक्ट ही स्कोर्स हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, देखो 30 किस किस में आए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, किस में आए हैं, मैथ्स कॉमा कंप्यूटर। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पूछा जाता है हाउ मच मार्क्स ही हैज स्कोर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं, 20, ठीक है। नाउ आई होप आप कर लेंगे बायोग्राफ के क्वेश्चंस। अब एक और मैं बताती हूँ, ये तो वर्टिकल था, अब मैं हॉरिजॉन्टल भी बताती हूँ। दिस क्वेश्चन, इसमें हॉरिजॉन्टल बार है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग बार्स हैं, ठीक है। नेहा हैज फॉलोइंग पेट्स ऑन हर फार्म हाउस, नेहा के पास डॉग्स कैट्स फिश बर्ड है उसके फार्म हाउस पे, जिसका उसने एक बार ग्राफ बनाया है। हाउ मेनी बर्ड्स नेहा हैज, बर्ड्स देखिए, बर्ड कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 तक, 4 बर्ड्स हैं, क्योंकि 4 तक इस बार की लाइन है, ठीक है। नाउ नेम द पेट विच इज मैक्सिमम इन नंबर, विच पेट इज मैक्सिमम, किसका बार सबसे ज्यादा है, फिश का, तो फिश मैक्सिमम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स, फिश कितनी है, 10। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ फिशेज और नंबर ऑफ बर्ड्स को, बर्ड्स कितनी है, 4, 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 6, 6 इज द आंसर। आई होप कुछ भी पूछा जाए, नंबर ऑफ डॉग्स, नंबर ऑफ कैट्स, आप तुरंत बता देंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए बार ग्राफ पे, आप तुरंत एनालाइज करके बता देंगे, इट इज वेरी इजी, पिक्चर बना लेंगे पिक्टोग्राम की। So in this I have told you pictogram and bar graph. Please exercise attempt कीजिए, कोई भी query हो comment कीजिए, साथ साथ करते जाइए, otherwise बाद में फिर इतनी सारी exercises नहीं कर पाएंगे। Geometry पढ़िए, उसके बाद data handling पढ़िए, कोई भी query हो comment कीजिए। Thank you, bye bye, happy learning. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.